एक जंगल में शेरू और भानवी नाम के शेर और शेरनी रहा करते थे। उनका एक बेटा भी था जो कि बहुत ही ताकतवर और निडर होशियार था। उसका नाम बघीरा था। बघीरा बिल्कुल सफेद दूध जैसा था और बघीरा देखने में भी बहुत सुंदर लगता था। एक बार उनके जंगल में एक खतरनाक बाघ मानव आ जाता है। वो बहुत ताकतवर और बहुत खतरनाक था। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उनसे बोला, सुनो सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस जंगल पे अपना राज करने आया हूँ। सभी जानवर आज से मेरा हुकुम मानेंगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अपना शिकार बना लूंगा। समझ आ गई ना बात? सभी जानवर कमजोर होने की वजह से डर जाते हैं और उसकी बात स्वीकार कर लेते हैं। और वो मानव बाघ अगले ही दिन से अपना हुक्म चलाकर किसी जानवर पर भोजन मंगाता तो किसी जानवर पर दूर नदी से पानी मंगाता और फिर उसे मजे से खाता पीता। उसने तो दो ही दिन में जानवरों को बुरी तरह से थका दिया था। सभी जानवर उससे बहुत परेशान आ गए थे। वहीं से बघीरा गुजर रहा था तभी उसे कुछ जानवर परेशान से खड़े दिखाई दिए। तब बघीरा उनके पास जाकर पूछता है, अरे तुम किस चिंता में खोए हुए हो? आखिर क्या बात है? बघीरा, दरअसल बात ऐसी है कि हमारे जंगल में दो तीन दिन पहले एक खतरनाक बाघ मानव घुस आया था। उसने हम सबसे कहा कि इस जंगल का राजा मैं हूँ, सब मेरा हुक्म मानेंगे और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। उसने हमें बहुत परेशान कर दिया है बघीरा। तो ये बात है तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? मेरे होते हुए किसी की हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए। चलो मैं देखता हूँ उसे। तब सभी जानवर बघीरा को उस मानव बाघ तक ले जाते हैं। बघीरा को देखकर वो मानव बाघ बोलता है, अरे ये सफेद शेर तो बड़ा ही सुंदर है, आखिर कौन है ये? मैं तुम जैसे लुटेरों का अंत करने के लिए इस धरती पर आया हूँ। मेरे होते हुए तुम किसी पर हुक्म नहीं चला सकते। तुम्हारी इतनी मजाल, तुम मुझसे जुबान चलाओगे? मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। तब वो मानव बाघ बघीरा पर हमला कर देता है लेकिन बघीरा भी उससे कम नहीं था। बघीरा उस पर जोरदार हमला करता है और उसे एक ही बार में चित कर देता है। मैंने बोला था कि तुम मेरे होते हुए किसी पर हुक्म नहीं चला सकते। मुझे छोड़ दो, मैं समझ गया, मैं अब इधर कभी वापस नहीं आऊंगा। तब वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। सभी जानवर बघीरा का शुक्रिया अदा करते हैं और उसकी जय जय करते हैं। लेकिन अगले दिन कुछ जानवर जब पानी पीने आते हैं तो देखते हैं कि पानी बिल्कुल सूख चुका था। ये देखकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं और तभी बघीरा के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि पानी के गड्ढे बिल्कुल सूख चुके हैं। ये सुनकर तो बघीरा भी परेशान हो जाता है और तभी वो अपने माता पिता के पास जाकर कहता है, सुनो बाबा, हमारे जंगल के दोनों गड्ढे पानी से सूख चुके हैं, उनमें अब कितना भी पानी नहीं रहा। मुझे अब दूसरे जंगल में जाना ही होगा और पता करना होगा कि नदी से पानी हमारे जंगल में क्यों नहीं आ रहा। अब तुम मुझे नहीं रोक सकते, मुझे जाकर पता करना ही होगा। तब बघीरा अपने दोस्त भालू को लेकर दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ता है। उधर शेर और शेरनी बघीरा के दूसरे जंगल में जाने से बड़े परेशान थे। शेर, दुआ करो कि बघीरा को कुछ ना पता चले और बघीरा सही सलामत जंगल वापस लौट आए। उधर बघीरा दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। अरे वाह भालू, ये जंगल तो बड़ा ही सुंदर है। बघीरा, यहाँ थोड़ा ध्यान से रहना, मैंने सुना है यहाँ का राजा बड़ा खतरनाक है और अब मुझे बहुत भूख लगी है, अब यहीं रुककर भोजन करते हैं। तब वो रुककर
दोनों भोजन करने लगते हैं। दूर खड़ी एक गाय बघीरा को देख रही थी। तभी बघीरा की नजर भी उस गाय पर पड़ती है। तब बघीरा भालू से कहता है, अरे भालू, वो गाय मुझे क्यों देख रही है? तुम मजे से अपना भोजन करो, उसे मत देखो। अब भोजन करने के बाद हमें पता करना होगा कि वो नदी कहाँ पर है और हमारे जंगल में पानी क्यों नहीं जा रहा। तो ये बात इस गाय से ही पूछ लेते हैं, चलो आ जाओ। तब वो दोनों गाय के पास जाकर बोलते हैं, गाय, हम पास के जंगल से आए हैं, हमें पता करना था कि इस जंगल में वो नदी कहाँ पर है, क्योंकि हमारे जंगल में उस नदी से पानी जाना बंद हो गया, बस हमें यही पूछना था। हाँ हाँ, सब बताऊंगी मैं तुम्हें, लेकिन पहले ये मुझे बताओ कि तुम गब्बर शेर के बेटे हो ना? क्या, गब्बर शेर? नहीं, मैं तो शेरू का बेटा हूँ। शेरू? अच्छा, शेरू तुम्हारे चचा? क्या, चाचा? चाचा नहीं, वो मेरे पिताजी है। नहीं बेटा, वो तुम्हारे पिता नहीं, चचा जी है। तुम्हारे पिता को तो इस जंगल के राजा बाघ ने मार डाला था। ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, जब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारे पिता इस जंगल के एक ईमानदार राजा थे। वो हमेशा जानवरों के भले के बारे में सोचते थे, लेकिन बाघ बड़ा लालची और बड़ा खुदगर्ज था। वो जंगल पर किसी भी तरह राज करके रहना चाहता था, तो उसने अपने कुछ साथियों के साथ नदी के बीच में कुछ पत्थर लगाकर नदी से सभी जंगलों में जाने वाला पानी रोक दिया, जिससे जंगलों में पानी नहीं पहुंच पाया। तो अगले ही दिन सभी जंगलों के जानवर तुम्हारे पिता गब्बर शेर के पास आए। अरे गब्बर शेर, ये तुमने क्या किया? तुमने नदी के बीच पत्थर लगाकर हमारे जंगल का पानी क्यों रोक दिया? हाँ गब्बर शेर, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तभी बाघ वहाँ पहुँच कर बोला, सुनो भाइयों, ये गब्बर शेर तुम्हें परेशान करना चाहता है, जरूर ये इसकी कोई चाल होगी। हाँ बाघ बिल्कुल सही कहता है, ये इसकी कोई चाल है, हमें ऐसे राजा की कोई जरूरत नहीं है। गब्बर शेर कुछ कहता उससे पहले ही बाघ ने धोखे से तुम्हारे पिता पर हमला करके उन्हें वहीं जान से मार डाला। कुछ देर बाद बाघ के सभी जानवर वहीं पर पहुंच जाते हैं। उनको देखकर सभी जानवर बोलते हैं, अरे बाघ, ये जानवर कौन है? ये सब मेरे ही साथी हैं। तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो बाघ भाई, तुम इनसे बोलकर वो नदी से पत्थर हटवा दो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सब यही पानी पीने आ जाया करना। लेकिन हमारे जंगल तो यहाँ से बहुत दूरी पर है, हम यहाँ कैसे रोज पानी पीने आएंगे? इस बात को लेकर हम गब्बर शेर के पास आए थे। ये तो सब मेरी ही एक चाल थी, उस नदी पर मैंने ही वो पत्थर लगवाए थे। अब शेर तो मर गया, तो अब इस जंगल पर मैं राज करूँगा, और अगर तुम्हें पानी पीना है तो यहीं आकर पीना होगा, नहीं तो मेरी तरफ से प्यासे मरो। ये सुनकर सभी जानवर बड़े हैरान हो गए थे। तो ये तुम्हारी एक चाल थी, तुम्हारी वजह से गब्बर शेर भी मारे गए, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया बाघ। तब सभी जानवर अपने अपने जंगल वापस लौट गए, और तुम्हारे चचा शेरू तुम्हें अपने साथ लेकर दूसरे जंगल चले गए। सभी जानवरों के चले जाने के बाद बाघ ने जंगल में रुक जाने वाले जानवरों से ऐसा कहा, सुनो सभी जानवरों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन दूसरे जंगल से पानी पीने जो भी नदी पर आएगा, मैं उसे अपना शिकार बना लूंगा। इस तरह से जो दूसरे जंगल का जानवर पानी पीने आता तो बाघ उसे अपना शिकार बना लिया करता था। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिन बाद तुम्हारे चचा ने चुपके से अपनी नदी की ओर कुछ पानी खोल दिया, जिससे तुम्हारे जंगल के कुछ गड्ढों में पानी चला जाता था, लेकिन अब बाघ ने वो भी बंद करवा दिया है। बघीरा, तुम्हारे पिता बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही थे, इसीलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया था। अच्छा, तो इसी राज की वजह से मेरे चचा और चची मुझे यहाँ आने से रोकते थे,
अब मुझे ही उस धोखेबाज बाघ का अंत करना होगा, तभी सभी जानवर सुख से रह सकते हैं। तब गाय बाघ से छुपकर बघीरा को लेकर जंगल में रहने वाले जानवरों के पास ले जाती है और उन्हें बताती है, सुनो भाइयों, ये हमारे पहले गब्बर शेर का बेटा बघीरा है। अरे हाँ, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल अपने पिता पर गया है। गब्बर शेर के बेटे क्या बोल रहे हैं? सच में ये हमारे गब्बर शेर का बेटा है। सुनो दोस्तों, उस बाघ से आसपास के जंगल के सारे जानवर परेशान हैं। उस धोखेबाज ने मेरे पिताजी को भी मार डाला था और अब उस नदी पर जो भी पानी पीने आता है वो बाघ उसे मार डालता है, इसीलिए अब हमें उसका अंत ही करना होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तब सारे जानवर बघीरा की बात पर राजी हो जाते हैं और उसका साथ देते हैं। तब बघीरा जानवरों को अपने साथ उस बाघ के पास ले जाता है। यह सब देखकर बाघ और उसके सिपाही हैरान रह जाते हैं। बाघ बोलता है, अरे तुम सब यहाँ क्यों आए हो? और ये सफेद शेर कौन है? मैं गब्बर शेर का बेटा बघीरा, आज मैं तुम्हारा अंत करने आया हूँ और ये जानवर भी तुम्हारा मातम मनाएंगे। तब सभी जानवर उसके सिपाहियों को मार डालते हैं और बघीरा भी गुस्से से बाघ को नोच नोच कर मार डालता है और इस तरह बघीरा अपने पिता का भी बदला ले लेता है और पानी की समस्या भी खत्म हो जाती है और इस तरह से बघीरा सारे जानवरों की समस्या का हल निकाल देता है और वहां का राजा बनकर सभी जानवरों की और अपने पिता की रक्षा करता है। तो अगर आज की स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग यूनिक स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें अमेजिंग लेटेस्ट यूनिक स्टोरीज सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू।